बग़ैर फ्रीज़र के गोश्त को सेव करने का बेहतरीन आसान तरीका यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों के साथ शेयर किया जाने वाला है। आज मैं आपको ऐसे ट्रिप्स बताऊंगी जिससे आप लोग अपने गोश्त को आसानी से सेव कर सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद बहुत ही ज़्यादा गर्मी में जून के महीने में इस दफ़ा आई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमें मसला होता है गोश्त को सेव करने का। तो बिजली का बिल आधा आए और गोश्त भी महीनों तक सेफ़ रहे, उसका बेहतरीन और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गोश्त अगर आप लोगों का फ्रीज़ हुआ हुआ है तो उसको डी फ्रीज़ करने का भी आसानी से तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। उसके अलावा बहुत ही मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स आज के इसी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप किए बगैर और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी पहली टिप इस एक प्लास्टिक के कंटेनर को लेके होगी। आप लोगों ने कोई भी चम्मच ले लीजिए, छुरी ले लीजिए, उसके ज़रिए गोल गोल सुराख इसके अंदर कर लेने हैं। सुराख थोड़े से बड़े कीजिएगा। और आप लोगों के साथ मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैंड बनाना सिखा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोग अपने चम्मच को इजीली, चम्मच हो, फोक हो, आप लोग कुछ भी इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं। इसको आप किचन में कहीं पर भी लटका सकते हैं। अच्छा, इसको जोड़ना जो है वो आप लोगों ने दीवार के साथ अगर आप लगाना चाहते हैं जैसे कि मैंने लगाया, तो इसके लिए आप लोग बेशक UHU का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डबल टेप ले लीजिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल टेप का ये नुकसान होगा कि आप लोगों का जो स्टैंड होगा वो थोड़ी देर ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकेगा, तो UHU आप इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी लींबू को लेके है। लींबू आप लोग देख सकते हैं, एक लींबू मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है और एक लींबू बिल्कुल मेरा फ्रेश है। तो इस लींबू की तरह फ्रेश रहने के लिए, इस तरह से आप लोगों के लींबू भी फ्रेश रहे, इसकी एक बेहतरीन टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे ही आप लोग लींबू को बाज़ार से लेके आए तो इसको आप लोग ठंडे पानी के अंदर भिगो दीजिए। ठंडे पानी में भिगोने से ये होगा कि आप लोगों का लींबू देर तक तकरीबन 10 से 15 दिन बिल्कुल सही रहेगा। और जिस तरह से मेरे अभी ये दो लींबू ख़राब हुए हुए हैं, इस तरह से आपका कोई भी लींबू ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में भी आप लोग अगर लींबू रखते हैं तो भी लींबू ख़राब हो जाता है। आई होप मेरी सेकेंड टिप छोटी सी टिप थी लेकिन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोगों के पास यकीनन कोई ना कोई डिस्पोजेबल ग्लास या फिर कप इस तरह से अवेलेबल होगा। सारे लींबुओं को इस तरीके से ठंडे पानी में रख लीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी ब्रशेस को लेके होने वाली है। ब्रशेस हमें ऐसा लगता है कि हमारे ब्रश जो हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रश बहुत गंदा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं ब्रश को करीब से करके दिखा रही हूँ, उसके ऊपर आप लोगों को लगी हुई काई जो है वो ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा। कभी भी हम लोगों ने अपने ब्रशेस पे इतना गौर नहीं किया। तो ब्रशेस को साफ़ करने का बेहतरीन छोटा सा आसानी से किया जाने वाला नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, पानी ले लेना है और पानी के अंदर आप लोगों ने सिरके को डाल लेना है। सिरका डालने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 चुटकी आप लोगों ने इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है। मीठा सोडा क्लीनिंग के लिए बहुत 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 ही यूज़फुल होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर 3 दफ़ा यही अमल दोहराते जाना है। पहले आप लोगों ने सिरका लेना है, फिर इसके अंदर आप लोगों ने मीठा सोडा, फिर सिरका, फिर मीठा सोडा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये बबल्स बनते जा रहे हैं, कितना अमेजिंग है। ये ईज़िली मिक्स भी हो रही है दोनों चीज़ें और आप लोगों के सामने ही ये डिज़ोल्व भी होती जा रही है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई सी भी टिप मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे बेहतरीन टिप आप लोगों को कौन सी लगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर अपने सारे के सारे ब्रशेस को डालते जाना है। ब्रशेस को डालने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए इसलिए ताकि ब्रशेस जो है वो हमारे अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के साथ सारे के सारे ब्रशेस अंदर डिप हुए हुए हैं और बबल्स बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये करना है,
10 मिनट के लिए आप लोगों ने ब्रशेस को उसमें भिगोने के बाद इसको अपने साफ़ पानी के साथ धो लेना है। साफ़ पानी से धोने के बाद आप लोगों के ब्रश बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल करीब से आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट क्लीन हमारा ब्रश हो चुका है। आई होप मेरी ये छोटी सी टिप आप लोगों को यकीनन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी इस बटन बोर्ड को लेके होगी। ईद हमारे सर पे है, कल ईद है, तो आप लोग यकीनन घर की सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हुए होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो बटन बोर्ड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने का ये बेहतरीन तरीका है। घर में बॉडी स्प्रे या फिर हम कह सकते हैं परफ्यूम या फिर नेल पॉलिश रिमूवर ईजिली अवेलेबल होता है। तो परफ्यूम मैंने यहाँ पर ले लिया। परफ्यूम को टिश्यू पेपर पर लगाने के बाद बटन बोर्ड के ऊपर आप लोगों ने ढक कर देना है। इससे ये होगा कि आप लोगों का बटन बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बटन बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा था और मैंने जब इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर लगाया है परफ्यूम वाला, तो कितना ज़्यादा मेरा बटन बोर्ड क्लियर हो चुका है। ये मेरी छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के लिए। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं गोश्त को डी फ्रीज करने का तरीका। अगर आप लोगों का गोश्त बिल्कुल मेरे गोश्त की तरह बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसको एक परात में निकाल लीजिए और इसको आप लोग पानी में भिगो दीजिए। पानी में आप लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए भी भिगोएंगे तो आप लोगों का गोश्त बिल्कुल खुल जाएगा। 10 मिनट के लिए मैंने भिगो के छोड़ दिया था और आप लोगों के सामने बिल्कुल मेरा गोश्त खुल चुका है। ये गोश्त को खोलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। गर्मी है तो आप लोग गर्म ठंडे पानी में भी डालेंगे तो पानी खुद ही गर्म हो जाएगा और फौरन ही गोश्त आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के लिए आप लोग एक साफ़ बर्तन के अंदर साफ़ पानी ले लीजिए और सिरका उसके अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छे तरीके के साथ हर बोटी को रब कीजिए, मलिए आपस में। इससे ये होगा कि आप लोगों का सारा गोश्त बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कोई भी खून बाकी नहीं रहेगा और गोश्त में से किसी भी किस्म की गंदी बदबू स्मेल कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन गोश्त मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला ये होगा कि आप लोगों ने एक एक बोटी को उठा के बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से एक एक दफ़ा खंगाल लेना है। खंगालने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। आप लोगों के सामने गोश्त अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो के बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसको महाना इसको हम काफ़ी महीनों तक सेव इस तरह से कर सकते हैं कि गोश्त को गला लीजिए। गला के आप लोग इसके पैकेट बना लीजिए और इसको अपने फ्रिज में रख लीजिए। इससे आप लोगों का ये होगा कि फ्रिज अगर बंद भी है तो गोश्त आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। आई होप मेरी छोटी सी टिप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।